कोरबा जिला में भाजपा के नेता ने अस्पताल में घुसकर प्रबंधक की पिटाई कर दिया। भाजपा नेता ने पहले थप्पड़ मारा और फिर दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने FIR दर्ज की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कुसमुंडा निवासी ओम प्रकाश यादव की बहू सुनीता यादव को पेट दर्द की शिकायत पर JP सर्जिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस दौरान परिजनों ने कुछ रुपए जमा कराए। जांच बाद कहा गया कि मरीज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस बाद किसी तरह व्यवस्था का 30,000 रुपए जमा कर दिए गए। भाजपा मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा ने बताया कि ओम प्रकाश उनके परिचित हैं। रुपए जमा कराने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने हालात गंभीर होने की बात कहकर ऑपरेशन से इनकार कर दिया। कहा गया कि आप लोग सामने खड़े रहेंगे तब ऑपरेशन किया जाएगा। मरीज के परिजनों ने मुझसे संपर्क किया। इस बाद मनीष मिश्रा अस्पताल पहुंचे और संबंधित चिकित्सक से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मरीज सामान्य परिवार का है, अब उन्हें बाहर ले जाना पड़ेगा, इसलिए आप उनके पैसे वापस कर दो। आरोप है कि 3 घंटा इंतजार करने के बाद प्रबंधक युगल चंदा ने कहा कि आपको 4,500 रुपए और देने होंगे। इस बात पर दोनों के बीच बात हो गया। आरोप है कि मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा ने प्रबंधक युगल चंदा पर मार दी। बात बढ़ने पर मारपीट भी हुई। जब डायल 112 को कॉल कर बुलाया गया तब अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को 20,000 रुपए लौटा दिए। गंभीर हालत में महिला मरीज को रायपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन स्थिति बिगड़ने की वजह से उसे बिलासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रबंधक युगल चंद्र ने बताया, महिला मरीज के लिवर और अपेंडिक्स की समस्या थी, ब्लड की कमी भी है। सभी जांच के बाद ही उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। परिजन तत्काल आज की तारीख बीहो कर ऑपरेशन करने की बात कर रहे थे। भाजपा नेता मनीष मिश्रा मिलने आए तो उन्हें भी समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने, सीधा हाथापाई पर उतर आए। उसके बाद मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है।